हम ये समझेंगे कि कैसे ग्लेशियर से बनने वाली लेक्स अगर फट जाती हैं उससे होने वाला नुकसान बहुत ही भयंकर है बहुत ही ट्रैजिक है यूपीएससी मेंस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू है एंड प्रिलिम्स के लिए भी इसमें कुछ रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग प्रिलिम्स अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दिस वीडियो इज इक्वली रेलिवेंट फॉर यू जितने भी डिजास्टर्स हों वो सभी करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं तो so स्टार्ट करते हैं इस इशू की डिस्कशन तो आज की क्लास में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे सो so हम जानेंगे कि सिक्किम में अभी हुआ क्या क्या इसके कॉजेस थे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वट इज अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कैसे ग्लेशियर से बनने वाली लेक जो है जब फटती है उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या ये फिनोमिना आगे भी हो सकता है हिमालयन रीजन एक काफी वनरेबल रीजन माना जाता है वेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग तो क्या ये ग्लेशियर्स से बनने वाली लेक्स आगे भी फटती रहेंगी कुछ साल पहले उत्तराखंड में भी ऐसी ही एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फिनोमेना हुआ था तो ये काफी फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं और इनकी इंटेंसिटी यानी इनसे जो खतरा है वो भी बहुत बड़ा होता जा रहा है सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरी थिंग दिस इंसिडेंट दैट इज को आधी रात में जब लोग सो रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली ये Loss of lives का एक बड़ा कारण बना बिकॉज सोते हुए लोगों को टाइम नहीं मिला अपनी जान बचाने का और सीफ एरिया जाने का. so what happened is that काफी सारे लोग जो है दे है मिसिंग है और कारण था ग्लेशियर लेक का फट जाना सिक्किम में इससे बहुत सारे डैम्स को नुकसान हुआ फॉर इंस्टेंस चुंगथैंग डैम जो तीसता थ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एट इज अ टिप फॉर यू तीस्ता थ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चुंग थैंग डैम इनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए एंड इसी के साथ तीस्ता रिवर के बारे में भी रिसर्च करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट तीस्ता रिवर के ऊपर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी डिस्प्यूट है सो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है सो मेक श्योर यू डू अट ऑफ रिसर्च हर रोज सुबह आठ बजे लॉन्च पर आई एस यूट्यूब चैनल पर वी डिस्कस द हिंदू डेली और उसमें ऐसे बहुत सारे इश्यूज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पाकिस्तान रिलेशन में हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं आगे भी करेंगे अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग दोज क्लासेस प्लीज़ मेक श्योर यू डू अ लिटल बिट ऑफ रिसर्च सो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई ये डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं तो so, इससे काफ़ी ब्रिजेस का हाउसेस का वाटर पाइपलाइंस का नुकसान हो गया डैम्स का हो गया काफ़ी विलेजेस एंड ऑब्वियसली लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल नाउ व्हाट इज़ अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट

इन लेक्स में आने वाला पानी उसकी वॉल्यूम बढ़नी स्टार्ट हो जाती है नाउ देयर इज कैपेसिटी अप टू विच दिस लेक कैन होल्ड वाटर एंड दीज एरियाज जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं जो थोड़ी थोड़ी उठी होती हैं दीज आर नोन एज मोरेन्स एंड इज वेयर द मोरेन एज होल्डिंग द वॉटर और जब ये पानी बढ़ता जाता है एट सर्टन पॉइंट दिस वॉटर इट ब्रेक्स फ्री ऑफ देयर मोरेन्स क्या होते हैं नेचुरल डैम्स दैट आर फॉर्मड फ्रॉम रॉक सेडिमेंट एंड अदर डेबरीज तो जो भी यहाँ पानी की इन्फ्लुएंस से पानी यहां पर बचता रहेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करवा देगा और जब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट एट अ फास्टर रेट तो कभी ना कभी यहां से पानी गिर के डाउनवर्ड स्लोप करेगा और यहाँ पर डैम्स होंगे विलेजेस होंगे जो भी इस रास्ते में आएगा वो सभी बहा के ले जाएगा नाउ यू कैन इमेजिन दिस इज सच क्विक थिंग इसमें आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है तो अंत में इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे क्या ये भी ऐसा एक डिजास्टर है जस्ट लाइक अर्थक्स जिसको प्रोडिक्ट करना इम्पॉसिबल है वी विल नो अगर हम कर पाएंगे तो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर पाएंगे हम डिजास्टर से बचने के लिए कुछ प्रिपरेशन कर पाएंगे अपने लोगों को सेफर एरियाज में रेस्क्यू कर पाएंगे सो विल अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ दिस साउथ लोनाक ग्लेशियर जिससे ये लेक भरती है दैट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न सिक्किम इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना सो so, ग्लेशियर पीछे कैसे जाएगा दैट मीन्स इट इज मेल्टिंग और 1962 से 2008 की बात करें नियरली दो किलोमीटर्स ये पीछे जा चुका है जस्ट इन 46 सिक्स ईयरस दो किलोमीटर्स एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है व्हेन इट कम्स टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रीसेंट पास्ट की बात करें 2008 से 2019 में 400 मीटर तो और भी तेजी से इट इज मेल्टिंग सेटेलाइट इमेजेस क्या दिखाती हैं रिगार्डिंग दिस डिजास्टर अराउंड 105 और वन ऑफ ग्लेशियर फेड लेक इट हैज बिन ड्रीनड आउट तो एक स्केर किलोमीटर जितना पानी जो है वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं उस लेक से निकल गया नाउ वेन सच अ वॉल्यूम ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ड्रेन्स आउट इट इज गोइंग टू डेफिनेटली कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज सैटेलाइट इमेजेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली डू नॉट रिवील द डेप्थ ऑफ द लेख की कितनी गहरी थी सो so, वॉल्यूम के बारे में प्रिसाइसली कहना थोड़ा मुश्किल है टिल द टाइम द एक्सपर्ट्स कैन विजिट द साइट लेकिन वॉटर मोनिटरिंग एपरेटिस जो है जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है ज्यादातर बड़ी वाटर बॉडीज में मिल, मिलता है एंड आपने सुना होगा कि गंगा का पानी जो है न्यूज में बताया जाता है कि वो खतरे के लेवल से ऊपर चला गया है यमुना का पानी खतरे के लेवल सो दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर मोनिटरिंग अपरेटिस वॉटर लेवल जो थे वो खतरे के निशान से सिक्सटी फीट ऊपर जा चुके थे एट वन थर्टी पी एम तो अगर वन थर्टी पी एम पर ही कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए होते शायद ये जाने बच सकती थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या कहना है कि क्या कारण था इस डिजास्टर का सो दे से दैट प्राइमरी रीजन इट कैन बी सडन सर्ज ऑफ दिस वाटर शायद उसका कारण है एक्सेस रेनफॉल अभी कह पाना मुश्किल है ऑलरेडी द ग्लेशियर वॉज मेल्टिंग में पानी भर रहा था अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसके बाद जब एक्सेस रेनफॉल हो गई दैट लेड टू दिस डिजास्टर दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर संग लेकिन कितनी बारिश हुई है इसके बारे में कुछ कह पाना अभी पॉसिबल नहीं बिकॉज दिस लेक सिचुएटेड एट अ वेरी हाई एरिया फ्रॉम सी लेवल तो इतनी हाइट पे

चीज हमारे लिए क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन्स साइक्लोन्सॉट फ्लडिंग एक्सेसिव रेनफॉल रैटिक पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी करंट में है और एक और चीज इसमें जुड़ जाती है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बिकॉज दिस इज द सेकेंड बिग इवेंट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द लास्ट टू थ्री ईयरस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो क्या ये आगे भी हो सकता है देर आर एन एस्टिमेटेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड ग्लेशियर्स इन हिमालयस तो इतने ग्लेशियर्स हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक या दो ग्लेशियर्स ही पिघल रहे होंगे सभी ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं एंड दिस कैन बिकम अ कॉज ऑफ मेनी मेनी मोर डिजास्टर्स इन द हिमालयन रीजन विच इज ऑलरेडी वेरी इससे पहले 1926 में जम्मू एंड कश्मीर में 1981 में किन्नौर वैली जो हिमाचल में है 2013 में केदारनाथ में ऐसे ही आउटबर्स्ट देखे गए थे एंड इफ टॉक ऑफ हिमालयन स्टेट्स तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो ज्यादा वेलरेबल है सबसे ज्यादा सिक्किम It has about 80 glaciers, और किसी भी स्टेट में किसी भी हिमालय स्टेट के मुकाबले ये सबसे ज्यादा so, क्या बोलते हैं बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सच इवेंट्स आर गोइंग टू इनक्रीज एक्सपोनशियली इन द फ्यूचर तो काफी uh, ज्यादा और फ्रीक्वेंट जी एल ओ एफ देखने को मिल सकते हैं राइजिंग टेम्परेचर दैट इज द बिगेस्ट कॉज यहाँ पर आपको वार्मिंग की बात की हो रही है विच वीव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे ऑल्सो कॉज अट ऑफ डेमेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हिमालय स्टेट्स में जो नेचुरल इकोसिस्टम है नेचुरल टॉपोग्राफी है उसको और वेलनेबल बना देता है एंड दैट मे लीड टू द इनक्रीज इन फ्रीकुन्सी इन सिवेरिटी एंड दिस सिक्किम इज जस्ट एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिजास्टर चाहे जोशी मठ हो चाहे ऐसे इवेंट्स हों चाहे नेपाल का अर्थक्वेक हो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिमालया बहुत ही वेलरेबल और फ्रेजाइल इको सिस्टम है एंड इफ वी नीड टू गेट द मोस्ट सीरियस इन एनी रीजन इन द वर्ल्ड अबाउट मैनेजिंग डिजास्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिज़ास्टर्स रिड्यूजिंग मिनिमाइजिंग द डैमेज ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स हिमालयन रीजन से ज्यादा शायद किसी और रीजन पर फोकस नहीं होना चाहिए तो एट द एंड डिस्कसिंग द वे फॉरवर्ड की क्या सोल्यूशन हो सकते हैं

मौसम विभाग है वो अब जान सकता है कि कहां पर कितनी इंटेंसिटी के साथ साइक्लोन्स आ सकते हैं सो वी कैन ईजिली है so well. उसके लिए मल्टीपल एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत है मोस्ट ऑफ द आंसर यू कैन राइट सच थिंग्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की अ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू प्रोवाइड एडिकुएट वार्निंग अनलाइक एंड अर्थ को एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डेट इज रिलेटिवली सडन जी एल ओ एफ इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड तो इसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले हैं एज वी कैन मोनिटर चेंजेस इन द साइज ऑफ लिग्स बट दिस रिक्वायर्स क्रिएटर कॉर्डिनेशन अगर आप आने वाले एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं मेक श्योर यू गिव अ फीडबैक एंड डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर वीडियोज आने वाले हैं एंड करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करना दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू नॉट मिस इवन अ सिंगल वीडियो तो डोंट फर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए यूट्यूब आपको सजेस्ट करें यू वॉन्ट टू अटेंड द डेली न्यूज पेपर क्लासेज एवरी डे मॉर्निंग एट ए एम यू कैन ज्वाइन दैट क्लास लाइव ऑन दस चैनल You all in the next class. Goodbye.